महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न किया गया। बैठक में महिलाओं के उत्पीड़न व बाल संरक्षण पर प्रदेश सरकार द्वारा 14-15 नवंबर को लखनऊ में आयोजित मंथन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान एसपीओ बीडी मिश्रा ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम तथा यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम पाक्सो तथा महिला उत्पीड़न के संबंध में चर्चा की। सीपीएस योजना के बाल देखभाल और संरक्षण पर फोकस किया गया और क्रियान्वयन के क्षेत्रों की पहचान की गई और इसके समाधान किए गए। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, करेंगे उस स्टडी मटेरियल को, वहाँ जो डिफरेंट स्टडी ग्रुप है वो उसको अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद मेरे ख्याल से मैडम आपको भी, चूंकि आप जा रहे हैं, आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ क्या जो समस्या है वो आप भी नोट कर लीजिए और इसको कौन नोट करेगा जो हम लोग अपने आपका त्याग परसों भेजना है। चर्चा का सेशन आरम्भ होता है। मैं बीडी मिश्रा, एसपी गोरखपुर, आपसे रूबरू हूँ। ये जो सब्जेक्ट रखा गया है बच्चों और महिलाओं से, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जब किसी बच्चे से और महिला से संबंधित किसी भी अपराध को आप देखते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, तो आपकी भूमिका एक साफ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया फाइनली निर्भया कांड में, जब एक बच्चे और महिला से संबंधित अपराध को देख उनकी हो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होनी चाहिए। केस किया, जेल में डाला, कोर्ट में ले गए, तो बच्चे की जो मनोदशा है, और अगर मैं अपनी बच्ची से ट्रीट करता तो मेरा क्या रूप होता, मैं स्वयं उसे पूछताछ करता, अगर अपनी पत्नी से कहता कि तुम पूछो मुझे बताओ। अभी एसपी क्राइम साहब ने कहा कि आईओ ने स्वयं बयान लिख लिया, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात की। तो आप, ये कानून भी आपको इजाजत देता है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपका ये सामाजिक दायित्व तो है कि आप महिला को अपराध आईपीसी में कहां कहां दिए गए हैं और एक्ट में कहां कहां दिए गए हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, आप जानते हैं उन 511 धाराओं, यद्यपि आप लोग रोज रूटीन में है लेकिन हम आपको बता दें एक बार, हम रिवाइज कर देंगे, 354, 376, 377, 370, 363, ये सारे जो अपराध हैं ये बच्चों और महिलाओं से संबंधित हैं। एक्ट के बारे में आप आ जाएंगे तो एक्ट के बारे में जो लेटेस्ट आपके आज ये जनपद स्तर पर जनपद गोरखपुर में एक प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बताना चाहूँगा कि 14-15 नवंबर को ये अपने यूपी सरकार की तरफ से लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस का, राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसका नाम मंथन है। मंथन ये जिसमें ये पुलिस कॉन्फ्रेंस है, महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस है, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, उनसे जुड़ी हुई अपराधों, उनकी समस्याओं से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस है। उसी कॉन्फ्रेंस के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर पर हम लोग आज प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। जो भी कॉन्फ्रेंस के 8 बिंदुओं पर ये वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, उन्हीं 8 बिंदुओं के संबंध में यहाँ पर ये एनजीओ आए हुए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, हमारे रिक्रूट्स हैं, पुलिस के अधिकारीगण हैं, जिनकी अपेक्षा एंटी रोमियो के लोग हैं, ख़ास तौर से जो भी महिला से संबंधित अपराध हो रहे हैं। एक बिंदु मोटा मोटी इसको तीन तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, महिला के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, महिला उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, और उन अपराधों को रोकथाम के लिए हमारी व्यवस्था क्या है, क्या क्या प्रणालियां हैं, क्या क्या हम लोग सिस्टम अपनाए हैं, और उसके अलावा ये वर्क प्लेस से संबंधित जो समस्याएं हैं, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर को लेकर के, और ख़ास तौर से जो महिला कर्मचारी हैं वर्क प्लेस पर सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं, तो वर्क प्लेस की समस्याओं और ये हरासमेंट से संबंधित, महिला रोग के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनके रोकथाम से संबंधित, और उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं इन्हीं सब के लिए एक परिचर्चा है। ये एक परिचर्चा के तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं अच्छी खासी ये पूरा हॉल भरा हुआ है, सभी प्रकार का समूह यहाँ पर है, यही है।